अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 5 बेटा एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने लगे हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने किया है कि हमारे पास दो वैल्यूज थी, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज दी गई हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास ऐसे का ऐसा आएगा 15/16 मल्टीप्लाई बाय 3/8। आप नेक्स्ट टाइम में डिवाइड का जो सिंबल है बेटा जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, वैल्यू इंटर चेंज हो जाएगी यानी 7/9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करने का हल ये है, या तो आप ऐसा करें इन दो वैल्यूज को आपस में कट करें या फिर इन दो को आपस में कट करें। हम ऐसा करते हैं लास्ट टू वैल्यूज को आपस में डिवाइड करते हैं, 3 × 3 = 9 आ जाएगा। तो इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 15/16 मल्टीप्लाई बाय 7/7/8 = 24। अब नेक्स्ट टाइम में आपने देखा है दोनों आपस में 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा नेक्स्ट, ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 7 ओवर, दूसरी तरफ हमारे पास बचेगा 16 × 8। ठीक है, तो आप इन दोनों को आपस में ये सेम टेबल के साथ कट नहीं हो रहे तो क्या होगा, 7/5 = 35/16 × 8 = 128। तो स्टूडेंट्स ये इसका सिंपल आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसी तरह एक और पार्ट इसका हम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 12/15 मल्टीप्लाई बाय 5/25 डिवाइडेड बाय 6/33। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने बिल्कुल वैसे ही करें जिस तरह हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है। अब इसमें क्या होगा, ये वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी, 12/15 मल्टीप्लाइड बाय 5/25। अब ये जो हमारे पास डिवाइड का सिंबल है इसको हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 33/6। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दो वैल्यूज को आपस में कर करते हैं, जैसा कि देखें 5 × 5 = 15 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम उनको इधर भी कट कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट टाइम भी जाओगे करेंगे तो क्या आएगा इसका, 12/12 आ जाएगा इधर ओवर 25/3/75 मल्टीप्लाई 33/6 आ जाएगा। अब ये 3 के टेबल पे हम इसको कट करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो क्या बचा हमारे पास, 2 × 11 ओवर इसी तरह 25 × 1, 11 × 2 = 22 और 25 × 25। तो ये स्टूडेंट इसका हमारे पास सिंपल आंसर आएगा। तो क्लास 5 डायरी आपको बेटा होगी मैथ, ये आपने दो क्वेश्चन इसके बाद से प्रैक्टिस करने हैं, एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 और 4 आपका होमवर्क होगा। ये दो क्वेश्चन आपके पास से होमवर्क कर चलाना है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट